वन न्यू ब्लॉग एंड टुडे इज सैटरडे एंड अभी बहुत लेट हो गया है लंच के लिए. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 4 o'clock एंड हम लोग जस्ट बाहर से आए हैं एंड वी वेंट फॉर स्विमिंग एंड उसके बाद अभी हम लोग लंच बना रहे थे. सो लास्ट फ्यू डेज वी वेर ईटिंग आउटसाइड, लास्ट फ्यू वीक्स एक्चुअली बहुत ही बाहर का खाना हो गया. सो वी आर ट्राइंग टू लिमिट आवर सेल्फ, मतलब वीकेंड में तो बाहर का खाना हम लोग खाते ही है लेकिन उसमें भी देख रहे हैं अगर एक दो दिन वी कैन स्टिल फोकस ऑन ईटिंग यू नो द होल डे एट होम. So today I have prepared quinoa salad and we are just baking some chicken. So the entire kitchen is messy right now as you can see because Shobhik abhi grill kar raha tha chicken and thoda kaam kar rahe the, baki hum log wo salad bhi bana rahe the. तो इसलिए थोड़ा मेसी है किचन. एंड यहाँ मेरे कैंपस में एक कार्निवल है आज, मतलब फ्ली मार्केट सॉर्ट ऑफ एंड इट्स शुड बी रियली इंटरेस्टिंग. मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर ऑलरेडी देयर, तो मैं शायद शाम को जाऊंगी. तो आई विल टेक यू गाइस विथ मी क्योंकि मुझे लग रहा है देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टॉल्स, मतलब कुछ पेंटिंग का स्टॉल, होम डेकोर रिलेटेड स्टॉल्स आर ऑल्सो देयर एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव होम डेकोर. तो मोर देन एनी थिंग आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी वेदर आई कैन गेट सम गुड होम डेकोर प्रोडक्ट्स. तो देखते हैं, आई विल जस्ट टेक यू गाइज. तो मैं शायद शाम को ही जाऊंगी. अभी जस्ट शौविक शावर लेने गया है, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे एंड उसके बाद मैं बैठ के थोड़े देर एडिटिंग का काम करूंगी. तो ये वीडियो ऑलरेडी जा चुका होगा जो मैं आज अभी एडिट कर रही हूँ. सो दिस वीडियो मस्ट हैव बीन ऑलरेडी इन द चैनल, मैं लिंक ऊपर डाल दूंगी एंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन ग्रो अ हेल्दी मनी प्लांट. तो मनी प्लांट के बारे में आपका कोई भी अगर डाउट है या फिर यू आर लुकिंग फॉर सम डेकोर आइडियाज हाउ यू कैन डेकोरेट योर होम विथ मनी प्लांट, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन चेक दैट वीडियो. सो आई एड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ये ऊपर कार्ड में भी मैं मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक. नाउ आई जस्ट गो एंड गेट माई लंच एंड बाद में मिलती हूँ मैं आपसे. Hey guys, it's around 7 o'clock and अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ. तो ये एक कुर्ता है, तो अभी मैं जा रही हूँ फ्ली मार्केट में, दैट इज जस्ट बिहाइंड माई विंग, मतलब कैंपस के अंदर ही है. सो यप, शौभिक भी कहीं निकल रहा है, उसको भी एक फ्रेंड के घर जाना है. सो मी एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं एंड आई विल ट्राई टू शेयर एवरीथिंग विथ यू. सो लेट्स गो. Back at home and I got tired. Obviously वहाँ सबसे मिले, इतना ज़्यादा बातें बातें किया and yeah I think 2 hours yeah I was there and just passed like चुटकी में. तो
बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स आए थे. सो देयर वर अ लॉट ऑफ फूड स्टॉल्स, तो बहुत सारा स्नैक्स भी हम लोग खा लिए. सो मैं अभी जस्ट थोड़ा बैठी हूँ, आई एम जस्ट डूइंग सम एडिटिंग वर्क. सो आई एम एमिंग कि कल मैं वीडियो पब्लिश कर पाऊँ, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट. बट वीकेंड में यू नो इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल ऑलवेज, थोड़ा इधर उधर का बाहर जाना हो जाता है, प्लान्स बन जाते हैं, तो उसमें एडिटिंग थोड़ा स्लो हो जाता है. बट देन आई एम ट्राइंग टू कीप इट अप. सो पहले जैसे मैं वीकेंड में वीडियो शेयर करती थी, वन वीडियो यूज टू बी फॉर द वीकेंड्स, बट अभी वो नहीं हो रहा है कुछ वीक्स से. आई थिंक सिंस लास्ट टू वीक्स आई एम जस्ट मिसिंग दैट टाइम लाइन. तो मुझे थोड़ा रूटीन जो है अपना सही तरीके से बनाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन एन्जॉय माई पर्सनल थिंग्स एंड एट द सेम टाइम आई कैन शेयर द वीडियो ऑन टाइम. सो आई एम जस्ट डूइंग लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग वाइल शॉबी कम्स बैक. सो आफ्टर ही कम्स बैक शायद हम लोग फिर से बाहर जाएंगे, थोड़ा ऐसा ही है अभी तक तो प्लान, लेट्स सी. सो लास्ट व्लॉग में आई टोल्ड यू गाइज दैट आई एम गोइंग टू सी स्पाइडरमैन होम कमिंग एंड आई टोल्ड दैट आई शेयर माई रिव्यू. तो उसके बाद ऑब्वियसली आई कुड नॉट शेयर द रिव्यू इन द सेम ब्लॉग. तो या इट वॉज अ गुड मूवी, ऑब्वियसली मार्वल का है, सो आई मीन इट वॉज अ मार्वल मूवी एंड मार्वल का मूवी ऑलवेज अच्छा ही होता है, एटलीस्ट वी लाइक अ लॉट. तो ठीक ही था, बट देन या आई विल से दैट इट्स वन टाइम वॉच, बट देन या यू कैन गो एंड वॉच. द एग्जीक्यूशन वॉज वेरी नाइस एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छा था. आज मैंने कुछ कुछ चीज़ें आई हैव बॉट फ्रॉम द फ्ली मार्केट, तो मैं आपको दिखाऊंगी. सो लास्ट वीक के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि आई वेंट टू होम सेंटर एंड आई गॉट फ्यू स्टफ्स. तो क्या क्या मैंने खरीदा है मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया है. सो आई विल शेयर एवरीथिंग टुगेदर एंड मैं मिलती हूँ आपको बाद में. हैप्पी संडे एंड या ऑफ कोर्स आई विश यू अ वेरी हैप्पी संडे. सो अभी बज रहे हैं अराउंड 2:30 एंड मैं जा रही हूँ टू अ फ्रेंड्स प्लेस, वी आर गोइंग टू हैव आवर लंच टुगेदर. तो कल रात हो गया था बातें करते करते, उसके बाद एक्चुअली हम लोग बाहर नहीं गए क्योंकि टू ऑफ आवर फ्रेंड्स केम, तो हम लोग बातें कर रहे थे. सो अभी मैंने सोचा टू कैच अप विद यू गाइस फॉर सम टाइम. सो आई हैव जस्ट टेकन शावर एंड अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है फेस पे, सो दिस इज जस्ट माई बेयर फेस विथ मिनिमम क्रीम एंड शॉबिक अभी वही है, ही इज ऑलरेडी देयर. मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या पहना है एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं एंड लंच करते हैं. मंडे एंड कल मैं उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज वी वर जस्ट एंजॉइंग, दैट्स हाउ माई संडे एक्चुअली एंडेड. तो आज मंडे मैंने सोचा थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ. बट बिफोर दैट लेट मी शेयर ऑल ऑफ दैट स्टफ दैट आई परचेज्ड लास्ट वीक. लास्ट वीक वॉज दिस एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा था, तो अभी मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ. सो आई स्टार्ट विथ होम सेंटर. सो वी गॉट दिस काइंड ऑफ टू पिलोज. ये जो पिलो है ऐसे दो पिलो हम लोगों को मिला इन 349 rupees, बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डील क्योंकि जो डिस्प्ले में जैसे इसका मटेरियल था इट्स एक्चुअली नॉट द सेम. ये एकदम वैक्यूम किया हुआ रहता है, मतलब एकदम फ्लैटन रहता है, तो इट्स सपोज टू कम इनटू इट्स ओरिजिनल जो शेप है खुद ब खुद आफ्टर यू कम बैक होम एंड यू नो ओपन द पैकेट. लेकिन आप जैसे देख सकते हैं दिस इज नॉट एट ऑल स्टर्डी, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड आई डोंट फील गुड अबाउट इट एट ऑल. तो 349 rupees जो है मेरा पानी में ही गया एंड पता नहीं डिस्प्ले में जो था दैट वॉज स्टर्डियर देन दिस एंड उसी के ऊपर बेस करके मैंने एक्चुअली ये परचेज किया था. बट इट्स नॉट अ गुड बाय. आई मीन इफ समवन फ्रॉम होम सेंटर इज वॉचिंग दिस राइट नाउ, प्लीज डू नॉट पुट थिंग्स इन डिस्प्ले इफ दैट इज नॉट गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट एज यू आर सेलिंग. सो यस, इट्स नॉट अ गुड बाय. Second is this pillow. On the other hand, this is a very good option. मतलब ये ऐसा होता है, this is actually a gel-based memory pillow. मतलब क्या होता है, this is specially meant for those people जिनका back ache है या फिर जिनके you know shoulder pain होते हैं due to bad pillow options. Last year मुझे बहुत
बैक पेन हो रहा था एंड आई यूज्ड टू हैव क्रैम्प्स हियर, क्योंकि हम लोगों का जो पिलोज थे ना वो उतना सॉलिड नहीं था एंड दैट वाज नॉट हेल्पफुल एट ऑल. सो ये वाला जो पिलो है ये शॉबिक एक्चुअली आइडेंटिफाइड एंड दिस इज एक्चुअली डूइंग वेरी नाइस. तो ये काफी स्टर्डी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके अंदर जो जेल होता है दैट गिव्स यू अ रियली कूल काइंड ऑफ अ सेंसेशन. इफ यू यूज दिस यू विल कम टू नो, बहुत ही एक कूल एंड कामिंग वाला फीलिंग आता है. सो या दिस इज अ गुड ऑप्शन, बट या इट वॉज लिटिल प्राइसी, दिस वॉज 1799. थोड़ा कॉस्टली है आई एग्री, बट दिस वन टाइम बाय विल डू एब्सोल्युटली गुड फॉर यू इफ यू आर समबडी हु इज एक्चुअली डीलिंग विद बैक पेन ड्यू टू यू नो बैड पिलो चॉइसेस एंड ऑल. एंड देन आई गॉट फ्यू फेस टॉवल, तो आई वॉज रनिंग आउट ऑफ फेस टॉवल एंड पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस टॉवल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज प्लीज बाय फेस टॉवल स्पेसिफिकली फॉर यू. डोंट यूज द टॉवल दैट यू आर यूजिंग फॉर अदर पर्पसेज लाइक हैंड टॉवल. प्लीज डू नॉट गो फॉर दोज वेन यू आर यू नो यूजिंग इट टू वाइप यूर फेस, क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स डर्ट ये सब रहता है, या फिर आप अपने हाथ पोंछते हो तो वहां से इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है. सो ऑलवेज गो फॉर गुड क्वालिटी फेस टॉवल फॉर योर फेस. तो ये फेस टॉवल मैंने 199 रुपीज में आई हैव बॉट एंड दीज आर फोर पीस एंड या सो आई थॉट इट्स अ नाइस बाय. 199 में मतलब 200 रुपीज में फोर पीस. सो आफ्टर बाइंग समथिंग न्यू, कोई भी टॉवल या फिर कुछ भी नया अगर मैं खरीदती हूँ आई गिव इट अ वॉश फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट यूजिंग इट. तो दिस हैज कम राइट आफ्टर वॉश एंड वॉश के बाद भी इसका मटेरियल देखिए कुछ खराब नहीं हुआ है. दिस इज एज आई बॉट. So yes, this is also a good buy. So that was all for home center. ज़्यादा कुछ हमने नहीं खरीदा है. And next जो है वो है शॉबिक का ऐसा एक शॉर्ट. तो this is I think this is some 1399 रुपीज का शॉर्ट है. These are for workouts mainly. He has bought these for workouts. And these are actually super comfy. 1399 में I would say this is a good buy. This is very comfortable. And this we have got from Jockey. The next one is also from Jockey and this is also for Shobhi. So this is one t-shirt he got. So he will use this one also as a workout outfit. This is the material. So this one is actually 990 rupees and yeah, it's a full length t-shirt. And he had got another full trouser and that was 1299, but I cannot show you that one because already he is using that. So next I got this pair of shoes and this is from Footin. So Footin is a branch of Bata, matlab uska hi ek partner branch hai. And they have really nice collection and उनका जो collection होता है बहुत ही trendy होता है and बहुत ही कम price में आता है. So I have got two pairs. This is one pair and इसका जो price है वो है 475 rupees. And the second one is this one. So this is kind of a ballerina shoe but it comes with heel. I wanted to explore few options of flat heels. मतलब pointed heel पहन के मैं ज़्यादा देर इधर उधर जा नहीं सकती हूँ. मैं pointed heel तभी पहनती हूँ अगर गाड़ी में ही जाना होगा, कहीं जाके बैठना होगा तब ठीक है, लेकिन ज़्यादा घूमना होगा तो pointed heel is not my thing. I prefer comfort on style. तो ये वाला जो है ये flat heel है and this looked quite stylish. मतलब इसको मैं ethnic wear के साथ भी I can pair this up or I can wear it with you know formals or casuals के साथ भी I can pair this up. तो मैंने ये खरीदा है. This is actually 951 rupees. So you can understand how cheap it was. तो yeah, I'm totally happy with this one and the white one I have already started using and it's very comfortable. Okay, so the next one is my shopping from the flea market. तो उस दिन मैं जब flea market गई थी तो एक दो चीज मैंने उठा ही लिया था वहां से. तो this is one ड्रेस मटेरियल, मतलब ये सलवार सूट मटेरियल है. तो ये है टॉप, तो इसका जो टॉप पोर्शन ये ऐसा दिखता है. तो इसको अभी मैं स्टिच करवाऊंगी, ऐसे इसका नेक आएगा एंड बाकी ये ऐसे दिखता है. तो दिस इज द सूट एंड ये बॉटम है. तो शायद मैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रही हूँ. मे बी आई विल मेक अ प्लाजो और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये नीचे का जो बॉटम पार्ट है
and this is the dupatta. So dupatta also I quite like. So this gives a khadi kind of a feel. So yes, this is one. This set was 900 rupees and actually ye 1200 rupees ka tha, but thoda maine bargain kiya to yeah, the lady agreed to give me 900 rupees. So yes, this is one. So last but not the least, jisko khareedne ke baad main sabse zyada khush thi, wo main aapko abhi dikhati hu. So guys, this is my last buy from the flea market and I totally love this painting. This is actually hand painted by the artist and ye mujhe bahut hi acha laga and price wise bhi this was very nice. So guys, ye sab tha mera pura shopping haul and you must be wondering ki main high neck wala woolen cloth kyun pehna hai. This is not woolen but this is a warm cloth, but abhi Bangalore ka jo weather ho raha hai na, this is really nice. Matlab cloudy hai and upar se thoda thoda barish bhi ho rahi hai, to mujhe bahut thand bhi lag rahi thi. So I thought of wearing this. So let me know how you like this video. Agar aapke paas dusre koi video suggestions hai या फिर आप दूसरे कोई वीडियो का रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली चेक ऑन दोज रिक्वेस्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लिव मी अ कमेंट सो दैट आई गेट टू नो दैट यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे राइट? अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट यू गेट अपडेटेड एवरी टाइम आई शेयर अ न्यू वीडियो. So see you next time in another vlog and abhi ke liye bye bye. Awaken my